नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा जो हमारी रेलवे स्पेशल साइंस की जो क्लास चल रही थी उसके अंतर्गत आज मैं आपको बताने वाला हूँ हमारा 36वें नंबर का वीडियो, 36 नंबर का वीडियो। इसके पहले मैं 35 वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे तो मैंने यहाँ पर ऊपर आई का बटन दे रखा है, जैसे ही आप आई के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट नीचे खुल जाएगी। जितने भी वीडियो मैंने इस वीडियो सीरीज के अंदर बताएंगे वो आपको सभी नीचे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों ये वही प्रश्न है विज्ञान की जो 4 से 5 सालों में रेलवे की जितनी भी एग्जाम्स में पूछे गए, इसलिए आप शुरू से आखिर तक वीडियो को पूरा देखिए, एक भी स्किप मत कीजिए, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिए, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। मैं हर वीडियो में पुराने वीडियो से 2 से 3 प्रश्न भी रिपीट करता हूं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए उन क्वेश्चनों को, इसलिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए आज का हमारा 36वें नंबर का वीडियो रेलवे स्पेशल साइंस जो कि आने वाली परीक्षा है NTPC और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा, जिससे कि आपका भी रिवीजन होता रहे। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स अपने अपने RRB जोन का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्योंकि आखिरी में आपको ये जरूर बताना है कि आज के 25 क्वेश्चन में से आपको कितने मार्क्स आए, कमेंट बॉक्स में आंसर देके जरूर बताइए, जिससे कि आपको ये हमको ये पता पड़ जाएगा कि किस जोन में किस स्टूडेंट की तैयारी कैसी चल रही है। तो चलिए आज का हमारा 36वें नंबर का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। देखिए रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए वास्तविक उल्टा और छोटा। कैसा होता है? वास्तविक होता है और वो उल्टा होता है और कैसा? छोटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? आपको बताना है कि एक ही प्रकार का परमाणु इनमें से किसमें मिलता है, इसका सही उत्तर का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्राकृत तत्व। जो प्राकृत तत्व होते हैं उनमें एक ही प्रकार के परमाणु मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? आपको बताना है जो क्यूरी होता है वो किसकी इकाई का नाम है, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रेडियो एक्टिव धर्मिता। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट सभी स्टूडेंट्स एक लाइक करेंगे, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम जो दो सोशल नेटवर्क उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आप एग्जाम गुरु चैनल को सपोर्ट करते हैं, और जो नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है, इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए फ्लू। जो फ्लू होता है वो पानी द्वारा नहीं होता, जबकि टाइफाइड, हेजा और अमीबियासिस ये तीनों ही रोग पानी के द्वारा फैलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 होती है? आपको वो जीव का नाम बताना है जिसमें पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 होती है, इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मानव। मानव ऐसा जीव होता है जिसमें पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य श्रृंखला जिसे हम फूड चेन कहते हैं में मानव है, मानव क्या है? आपको खाद्य श्रृंखला में मानव को बताना है, इसका सही उत्तर का प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता। जो खाद्य श्रृंखला होती है फूड चेन होती है उसमें मानव क्या होता है? प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है, इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए कार्बन। जो कार्बन होता है वह सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है, नाम से ही स्पष्ट है जैसा कि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? आपको बताना है कि इनमें से किस खनिज द्वारा लोहे को प्राप्त किया जाता है, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हेमेटाइट। किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? जो सूखी बर्फ होती है वो किसका ठोस रूप है, इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए CO2। किसका ठोस रूप होता है? CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? बहुत बार रिपीट हुआ है प्रश्न, कहाँ पर करता है? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पत्ता गोभी है, तो अपने खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्तियों में करता है। कहाँ पर करता है? पत्तियों में करता है, क्योंकि पत्ता गोभी कैसे बनी होती है? पत्तियों से बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो क्या नाम है सामान्य, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसका सही उत्तर का दोस्तों ऑप्शन नंबर बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो किसकी आयु का निर्धारण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म। जीवाश्म की आयु का पता करने के लिए रेडियो कार्बन काल निर्धारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाले जाते हैं? जो पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन होते हैं वो किससे निकाले जाते हैं, इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर ए कवक। किससे निकाले जाते हैं? कवक से निकाले जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो किससे प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल, सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चीड़ से। किससे प्राप्त किया जाता है? चीड़ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां है, जो मानव शरीर होता है उसमें पैरों की हड्डियां कैसी है, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी फिबुला एवं टीबिया। जो पैरों की हड्डियों का नाम क्या होता है? फिबुला एवं टीबिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्वेत
फुसफुस रोग पाया जाता है, जो श्वेत फुसफुस रोग किसमें पाया जाता है, किन कर्मचारियों में पाया जाता है, इसका क्षेत्र दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, जो कर्मचारी सीमेंट उद्योग में काम करते उनमें श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है, देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है, आपको बताना है कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से, जो आपको चारों ऑप्शन देखे इनमें से क्या है, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी श्रव्य या ऑडियोबल ध्वनि। इसे हम क्या कहते हैं, श्रव्य या फिर ऑडियोबल ध्वनि, मतलब सुनने योग्य ध्वनियां कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जीवाश्म इतनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है, तो कौन सा सबसे स्वच्छतम ईंधन है, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैसें होती है, वो सबसे ही स्वच्छतम ईंधन की श्रेणी में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है, तो कौन सा क्षारक, जो प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कौन सा क्षारक होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कौन होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो किसकी माप की जाती है, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गैसों का दाब, किसकी माप की जाती है, गैसों के दाब की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, तो किसमें सबसे उच्चतम ऊर्जा होती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नीला प्रकाश, जो नीले रंग का प्रकाश होती है उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, बहुत ही बार रिपीट किया गया प्रश्न है, मेरे पुराने वीडियो में मैंने रिपीट किया है, तो कुछ से 2 से 3 प्रश्न जो मैं रिपीट करता हूँ उन्हीं श्रेणी का प्रश्न है ये, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वाधर, क्या कहते हैं, हम ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वाधर कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दूरदृष्टि दोष, क्या कहते हैं हम इसे, दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है, यह भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, तो किसे परिवर्तन करता है डायनेमो, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है डायनेमो। तो दोस्तों आज मैंने आपको रेलवे स्पेशल साइंस की क्लास के अंदर 3600 नंबर का वीडियो बताया, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर जरूर कीजिए, और इस मॉडल पेपर में साइंस के 25 में से आपको कितने मार्क्स आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, साथ में अपने आरआर भी जोन का नाम भी लिख दीजिए, जिससे आपको यह पता पड़ जाए किस जोन में किस स्टूडेंट की कैसी तैयारी चल रही है। नए स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।